बुराई का अंधेरा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मगर अच्छाई की रोशनी के सामने वो फीका पड़ ही जाता है और महज चंद कागज के टुकड़े कभी कभी कातिल तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली से भी सामने आया, जहां पर दिल्ली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस से पर्दा उठाया। असल में 5 अक्टूबर को दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मुनक नहर से दिल्ली पुलिस को एक लाश मिली थी। पुलिस को खबर मिली कि इस नहर में एक लाश है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लाश को वहां से बाहर निकालती है। पुलिस लाश की तलाशी लेती है, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिलता जिससे शिनाख्त हो सके कि आखिर वो लाश है किसकी। बहरहाल पुलिस लाश के अच्छे से छानबीन करती है तो उसकी जेब से 2 पर्चियां निकलती हैं। पानी में गिरने की वजह से लाश की जेब में था तो वो भी गीली हो चुकी थी। पुलिस संभाल कर उन्हें आराम से निकालती है और एविडेंस के तौर पर रख लेती है, बाकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब ये तो कन्फर्म था कि ये जो लाश मिली है इसकी हत्या हुई है, क्योंकि जब लाश को बाहर निकाला गया था तो उस लाश के हाथ और पैर बंधे हुए थे। तो ये कन्फर्म था कि किसी ने, या तो इसको पोस्टमार्टम से पहले ये तो कन्फर्म था कि या तो किसी ने इसको मार के पानी में फेंका है या फिर इसके हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया गया जिससे इसकी मौत हो गई। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें साफ हो जाता है कि इस शख्स की मौत गला घोटने से हुई है, मतलब इसका दम घुटने से इसकी मौत हुई है। हत्या हुई है ये क्लियर था, हत्या करके लाश के हाथ पैर बांध के उसे पानी में फेंका गया ये क्लियर था, लेकिन लाश किसकी है ये अभी पता नहीं था। मगर पुलिस को जो लाश की जेब से 2 पर्चियां मिली थी, उन पर्चियों को जब पुलिस ने सूख गई वो तो उनको निकाला, उन पर्चियों को जोड़ा, वो जो 2 पर्चियां थी वो असल में 2 अलग अलग बिल थे। एक बिल था किसी टेलर का और दूसरा था मूंगफली की थोक खरीदारी का। पुलिस उन दोनों बिलों को जोड़ती है तो एक बिल निकलता है सहारनपुर का। पुलिस एक टीम बनाती है और सहारनपुर भेजती है। हालांकि दिल्ली पुलिस को सहारनपुर से कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वापस आ जाती है। सहारनपुर से कामयाबी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि जिस जगह का वो बिल था उसके आसपास काफ़ी सारे टेलर के दुकान थे, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो बिल है किसका। पुलिस ने अपनी तफ्तीश करी होगी, पूछताछ करी होगी, लेकिन पुलिस को कोई भी ठोस सही जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी, तो इसलिए दिल्ली पुलिस वापस आ जाती है। उसके बाद अब दूसरा बिल लेके दिल्ली पुलिस की एक टीम जाती है मूंगफली के अलग अलग व्यापारियों से पता करने दिल्ली के अंदर, अलग अलग व्यापारियों से जिन्होंने हाल ही में बड़ी तादाद में या अच्छी तादाद में किसी को मूँगफलियाँ बेची हों। उन व्यापारियों से पता करती है, उन दुकानदारों से पता करती है, वहाँ दुकान पर काम करने वाले लोगों से जानकारी लेती है। इसी बीच पुलिस को एक दुकानदार से ये पता चलता है कि वो बिल किसका है। जब पुलिस को ये पता चलता है कि वो बिल किसका है तो इस तरीके से उस शख्स के परिवार से रिलेटेड जानकारी उनको मिल जाती है। जानकारी मिलने के बाद युवक के परिवार का पता चल जाता है कि आखिर वो युवक कौन था। अब ये लाश मिली थी 5 अक्टूबर को, मगर महज 2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस ने एक अनजान लाश का पता, ठिकाना कौन है, कहां का रहने वाला है, उसके परिवार में कौन है, ये सब पता कर लिया। 7 अक्टूबर को उस शख्स के परिवार को ये जानकारी दी जाती है कि ऐसे ऐसी लाश हमें मुनक नहर में मिली है और उसकी जेब से हमें ये पर्चियां मिली है। पुलिस पहुंचती है उसके घर पे तो ये कन्फर्म हो जाता है कि लाश उसी शख्स के रहने वाले घर के रहने वाले इंसान की है। बहरहाल जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, उनके परिवार से बात करती है, पूछताछ करती है, उन्हें बताती है, तो उसका परिवार एक बेहद अजीबोगरीब बात कहता है। वो पुलिस को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि युवक किससे ज़्यादा बातचीत करता था और कौन उसके संपर्क में था। अब पुलिस को ये पता था कि लाश किसकी है, कहाँ रहता था, कैसे कहाँ मारा और कहाँ उसकी लाश मिली, ये सारी डिटेल तो पता थी, लेकिन किसने मारा, क्यों मारा, ये नहीं पता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हमारे लिए ये पता करना चुनौती थी कि युवक का शव सहारनपुर से दिल्ली कैसे पहुंचा। पुलिस को हरियाणा में रिश्तेदारों के बारे में पता चला था, जिसके बाद एक टीम को हरियाणा भेजा गया, जहां पर ये बात पता चली थी कि उसकी पत्नी समेत परिवार के कुछ बाकी सदस्य पानीपत में रहते हैं। अब जब परिवार से दूसरी टीम मिलने पहुंची तो उससे जानकारी जुटाई गई, उसकी पत्नी और बाकी सदस्यों से पूछताछ हुई, तो उन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ महीने पहले, या कहूँ कि कुछ वक्त पहले, इस युवक का अपने बड़े भाई से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, उस समय तो बड़े भाई का परिवार, पत्नी और बच्चे घर से बाहर चले गए थे, इसने अपने बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया था। मगर घर से तो निकल चले गए थे वो, लेकिन उनके दिल दिमाग में एक बदला लेने की जो आग थी अब वो पनपने लगी, तो उन्होंने अब ये था कि मुझे अपने छोटे भाई से बदला लेना है।
अंदर ही अंदर खुन्नस मान के बैठे हुए थे जो बड़े भाई थे। पुलिस को ये सब पता चला तो बड़े भाई, उनके दोनों बच्चे, उनकी पत्नी, इन सब से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। शुरुआत में जैसे हर अपराधी करता है, कुछ भी बोलने से मना कर दिया, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हमें क्या पता, हमें क्या मालूम, अलग अलग तरीके से बात को टालमटोल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों से दोबारा पूछताछ करी, लेकिन इस बार थोड़ा सख्त रुख अपनाया, सख्ती से पूछताछ करी। शुरुआत में फिर वही नाटक, बात को घुमाना, बात को पलटना, हमें नहीं पता, वही जो यूजुअल आंसर होते हैं कि हमें क्या मालूम, हम तो थे भी नहीं, वहाँ कैसे गए, हमें क्यों बताऊँ, हमें क्या पता, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, इस तरीके के अलग अलग सवालों के वो जवाब देंगे। मगर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी और अपने तरीके से पूछताछ करी तो उसके बाद इनके परिवार का एक सदस्य फूटा और उसने तोते की तरह पूरी कहानी बता दी। और जब एक शख्स टूटा तो ये बात पता चल गई कि किसने हत्या करी है। फिर उसके बाद पुलिस के तो थोड़ी आराम से उन्होंने बाकी जितने लोग थे उनसे सच उगलवा दिया और इन लोगों ने अपना सच पुलिस के सामने बयान कर दिया कि इन्होंने किस तरीके से, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए इस युवक की हत्या की थी। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने दूर के रिश्तेदार के साथ मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची और घटना वाले दिन ये सब लोग एक साथ जमा हुए। उसके बाद रात में सभी की मुलाकात हुई, जिसके बाद ये युवक को मिलने के बहाने पानीपत गए और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले इन्होंने इस युवक का गला घोटा, उसके बाद इसके हाथ पैर बांधे और उसे नहर में फेंक दिया। इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि नाबालिग समेत पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना था कि युवक के बड़े भाई ने अपने बेटे यानी कि इस युवक के भतीजों ने और उसके बड़े भाई ने घर से बाहर निकालने के विवाद में अपने छोटे भाई को मार डाला और लाश को इस तरीके से गायब किया ताकि किसी को भी ये ना पता चले कि लाश किसकी है, ये शख्स कहाँ चला गया। एक अनजान गुमनाम मिस्ट्री बनकर ये शख्स रह जाए और ये लोग आराम से अपना बदला लेके चैन की सुकून की ज़िंदगी काटते रहें। लेकिन जैसा मैंने इस कहानी की शुरुआत में कही, बुराई का अंधेरा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई की रोशनी के सामने फीका पड़ ही जाता है और अपराधी कितनी ही कोशिश कर ले अपने जुर्म को सुहाने की, लेकिन जुर्म कभी छिपता नहीं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जुर्म का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ ही जाता है, क्योंकि अच्छाई के आगे कभी भी बुराई की जीत हो नहीं सकती है। यह था दिल्ली पुलिस का वो मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का मामला जो उन्होंने महज 2 दिन के अंदर लाश के बारे में पता किया, लाश के बारे में जानकारी जुटाई, उसके बाद उस हत्यारों की जानकारी जुटाई जिन हत्यारों ने उसको मारकर उसकी लाश को नहर में फेंका था। तो ब्लाइंड मर्डर केस दिल्ली पुलिस ने महज 2 दिनों के अंदर सुलझा लिया। जिस टीम ने ये पूरा मामला सुलझाया है उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उन सब टीमों की पीठ थपथपाई है, क्योंकि वाकई एक भीगे हुए 2 कागज़ के टुकड़ों से दिल्ली पुलिस ने एक पूरा का पूरा केस सुलझा डाला। इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।